हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश अपशोषण का नियम, जिसे बियर लैम्बर्ट का नियम भी कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रकाश रसायन या फोटोकेमिस्ट्री के नियमों का पालन करता है। ये क्या करता है? फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन के नियमों का पालन करता है। अतः 1970 में लैम्बर्ट ने एक नियम दिया, जिसे लैम्बर्ट नियम कहा जाता है। एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि लैम्बर्ट नियम कौन से सन में दिया गया, तो किस में दिया? 1970 में, 1970 में, जिसे लैम्बर्ट नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार आपतित और परागमित प्रकाश की तीव्रता उस बिलियन की सांद्रता एवं लंबाई के साथ संबंधित होती है, जिससे होकर गुजरता है पदार्थ में एंटर करने वाले रेडिएशन की तीव्रता बराबर IR। फिर सेकंड है, पदार्थ से बाहर निकलने वाली रेडिएशन की तीव्रता IS। यदि अवशोषण को A माने तो A बराबर IR/IS। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ। इसे लॉग IR/IS के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। जिस तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम अवशोषण होगा उसे λmx व λmaximum कहते हैं। A बराबर लॉग IR/IS। लॉग IR बराबर IR/IS बराबर ECI। ये सेकंड समीकरण हुआ। अब हम देखेंगे ECI है क्या। E बराबर मोलर अवशोषकता, मोलर एब्जॉर्बिविटी, सी मोलर पदार्थ की मोलर सांद्रता, और L उस सेल की सेंटीमीटर में लंबाई जिसे पदार्थ भरा है। ये ECL है। तो ECL आपने देखा क्या है, तो E बराबर log IR/IS, फिर CL, तो E बराबर A/CL। ये समीकरण थर्ड हुआ। हम इसमें देखेंगे मोलर अवशोषकता। किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा अवशोषित हुए विकिरणों की शामक स्ट्रेंथ या तीव्रता इंटेंसिटी को प्रदर्शित करता है। यह हमारा बियर लैम्बर्ट लॉ, ये हिंदी में है। तो ये आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा गया कि हम एग्ज़ाम में हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो हाँ, हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। कोशिश करें कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखें, तो ज़्यादा बेटर हम लिख सकेंगे, क्योंकि इंग्लिश में भी हम पूरी तरीके से लिख नहीं पाते हैं, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। और ये आपको यदि जो भी टॉपिक्स में आपको वीडियो चाहिए हिंदी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और स्पेशली मैं सबको कहना चाहूँगी, यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस या आपको जो भी वीडियोस अवेलेबल चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।